आखिर कब होंगे यूपीसीए के प्लेयर रजिस्ट्रेशन 2024-25 सीजन के लिए। जैसा कि आपको पता है कि 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया था कि यूपीसीए के प्लेयर रजिस्ट्रेशन 20 से 25 जनवरी से स्टार्ट हो सकते हैं या चांसेस हैं होने के। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि इस बार यूपीसीए के प्लेयर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज तो 26 जनवरी है तो अभी तक तो स्टार्ट नहीं है, तो उस पर आपके काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि इस साल कब स्टार्ट होंगे यूपीसीए के रजिस्ट्रेशन या कब होंगे ट्रायल्स। तो हमने सोचा कि वीडियो बना के क्लैरिफाई कर दिया जाए इस पर कि आखिर कब होंगे यूपीसीए के रजिस्ट्रेशन। देखिए 26 जनवरी है, किसी भी दिन यूपीसीए के प्लेयर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म आ सकते हैं। हाँ, ज़्यादा चांसेस हैं ऑनलाइन आने के, और अगर ऑनलाइन आएंगे तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी है, आगे हम वीडियो में बात करेंगे। अगर ऑफलाइन आएंगे तो वो सावधानी आप नहीं बरतेंगे, तब भी आपको ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऑनलाइन होगा तो वो सावधानी आपको बरतनी होगी। देखिए कभी भी यूपीसीए के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ सकते हैं जो मैंने कहा था। और जो ट्रायल से जुड़े आपके क्वेश्चन आते हैं कि अगर फॉर्म आ गया मतलब ट्रायल तुरंत होगा, जो पहले साल ट्रायल देने जा रहे हैं यूपीसीए के उनके लिए खास है। देखिए पहले प्लेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाते हैं, 15 दिन से 1 महीने तक प्रोसीजर रहता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में फॉर्म भरा जाता है। आपको पता होगा अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन प्लेयर रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपके जो फॉर्म होंगे वो जनवरी फरवरी मार्च के बीच में कभी भी भरे जा सकते हैं। लेकिन जो ट्रायल्स स्टार्ट होते हैं यूपीसीए के वो अप्रैल मई में 1916 के ट्रायल होते हैं, उसके बाद जून और जुलाई में ओपन कैटेगरी के और अंडर 23 के ट्रायल्स होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद ट्रायल्स होंगे। ट्रायल्स 1 महीने 1.5 महीने बाद होते हैं प्लेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाने के बाद। और अब हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएंगे तो आपको क्या सावधानियाँ बरतनी है। जैसे कि बहुत से क्रिकेटर हैं मैंने देखा है कि फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं ऑफलाइन में। ऑफलाइन में आप ये समझ लीजिए कि आपका डाटा आपके डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में ही रहता है, कि अगर कोई आपके अगेंस्ट शिकायत करता है तब आपका डाटा मैच किया जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट करेक्ट है या नहीं है। लेकिन जब ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो वो डाटा आपका फीड हो जाएगा, वो यूपीसीए से हो सकता है कि बीसीसीआई के पोर्टल में भी चला जाए। तो जब आपका आधार नंबर डाला जाएगा तो आपके सारे डिटेल खुल जाएंगे इन फ्यूचर। जैसे इस साल आपने रजिस्ट्रेशन किया दूसरा डॉक्यूमेंट लगाकर, जैसे डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट आपने फेक बनाकर लगाया या अपनी एज फेक दिखाई, फिर नेक्स्ट ईयर जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो वही डाटा आपका फीड रहेगा। अगर आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो बैन हो जाएगी। इसलिए अभी भी टाइम है, मेरी एक एडवाइस मानिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं बना है तो सारा डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। डॉक्यूमेंट में आपका नहीं बना होगा तो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना होगा। अगर आप लीगल तरीके से सही तरीके से अपन डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो मैक्सिमम 15 से 20 दिन लगता है, मैक्सिमम 15 से 20 दिन लगता है। और फॉर्म अगर आज भी आ गया तब भी आपको यूपीसीए कम से कम 1 महीने का टाइम देगा फॉर्म भरने के लिए। तो आप इस बात का ध्यान दें कि ज़रूर से ज़रूर डॉक्यूमेंट करेक्ट लगे। अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई आपका कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ आप पूछ सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी इशू होगा हम सॉल्व करेंगे। और इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ ज़रूर हमारे साथ जुड़ें।